नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। कृषि की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं अंजलि मलिक एक बार फिर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने आई हूं। और आज एक और भी बहुत ज़रूरी चीज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैं ट्रेनिंग देती हूँ और मैं मोटिवेट करती हूँ, बहुत सारे लोग चेंज कर रहे हैं अपने फार्मिंग के तरीकों को। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि शहर के पढ़े लिखे लोग भी खेती करना चाह रहे हैं, नेचुरल तरीके से ग्रो करना चाह रहे हैं, और बहुत लोग कर भी रहे हैं, चाहे वो अपने टेरेस पे कर रहे हैं, चाहे वो खेतों पे कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, मेरा मिशन क्या है कि हमने अपने खाने को केमिकल मुक्त बनाना है, रासायनिक मुक्त बनाना है, उसमें कोई रसायन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सब हम लोग जानते हैं कि क्या इतनी बीमारियां हैं, इतना हमारा एनवायरनमेंट ख़राब है, तो ये जो सब कुछ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल, ये हमने ख़त्म करना है। तो अब मैं बहुत सारे लोगों की, जैसे अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं करते हैं और वो जो काम कर रहे हैं, तो उन सबकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं, मैडम सब लोग कहते हैं कि नेचुरल महंगा क्यों होता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा आपको क्लियर करूँ कि नेचुरल महंगा इसलिए होता है कि वो डिपेंड नेचर के ऊपर करता है। अब आप सिंपल छोटी सी बात देखिए कि फोरकास्ट हो गया कि 4 दिन के बाद बारिश आएगी, और उनके पास जितना वेजिटेबल ग्रो है छोटा छोटा, उन्होंने रातों रात केमिकल उसमें लगाया, इंजेक्शन लगाया और उसको ग्रो किया और उसको उतार के रख लिया। मतलब क्या हुआ कि उनका सारा प्रोड्यूस बिल्कुल सेफ हो गया और वो लोग सेफ हो गए। ठीक है, नेचुरल वाला जो किसान है वो क्या करेगा, वो तो सिर्फ वेट करेगा कि भाई नेचर क्या करेगा, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, आंधी आएगी, अब जो ख़त्म होना है वो तो होगा ही। तो आप देखिए जो उसका नुकसान होता है वो कहाँ से वो करेगा, और वो कितनी मेहनत करता है। जब वो मार्केट से नहीं खरीदता, हर चीज़ वो अपने आप बनाता है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, बीज भी अपने तैयार करता है, तो मेहनत तो है ना, कितनी डबल मेहनत वो कर रहा है। अच्छा, किसके लिए कर रहा है, आप लोगों के लिए कर रहा है। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये महंगा है, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जो आप मेडिसिन लेने जाते हैं, कभी देखा वो कितनी महंगी हैं, वो कितने आपके शरीर को अंदर अंदर ख़राब करती हैं, उसके कितने आफ्टर इफेक्ट है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि ये कितना महंगा है, सिर्फ आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये कितना नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं डला हुआ। और एक बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि जो ऑर्गेनिक वर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वो वाकई ही में ऑर्गेनिक है तो वो सेमी केमिकल है, नेचुरल ही बिल्कुल नेचुरल है। क्योंकि ऑर्गेनिक में जो फर्टिलाइज़र वो इस्तेमाल करते हैं उनमें इतना दम नहीं होता कि वो पूरी प्रोड्यूस निकालें, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा केमिकल डालना पड़ता है। क्योंकि हम तो किसानों के पास जाते हैं, जब वो कहते हैं मैडम ऑर्गेनिक है, तो वो हमें अपनी तरफ से नेचुरल कह के ही समझाते हैं। जब मैं उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ तो उनको मुझे समझ में आ जाता है, तो वो अपने आप एग्री करते हैं, हाँ मैडम थोड़ा सा तो डालना पड़ता है ना। तो लेकिन अगर जहर हमारे खाने में चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, जहर तो जहर है। अगर जहर सस्ता मिलेगा तो ये थोड़ी कि हम प्लेट भर के खा लेंगे, हमेशा जहर सस्ता मिलता है, अमृत ही महंगा है जो कभी कभी मिलता है। तो जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो हम आप तक सिर्फ नेचुरल उगाने भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दो लोग मैंने ऐसा सुना है, वो सोचते हैं कि अगर नेचुरल हमने ले लिया तो भैया वो तो मीठा ही होगा, सपोज पपीता ले लिया या तरबूज ले लिया या खरबूजा ले लिया, तो वो ये सोचते हैं कि भैया नेचुरल उगाया तो ये खट्टा कैसे हो गया। अरे भाई, खट्टा है, खट्टा भी होगा, सब कुछ, क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें हमने शुगर का केमिकल का इंजेक्शन नहीं लगाया है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक हम अपना, अपने आगे वाली जनरेशन का, अपने एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा खराब हाल कर देंगे, इतना बड़ा कि संभाले नहीं संभलेगा, जो आज भी नहीं संभल रहा है।
जो जिस हालात से बीमारियां कैंसर बढ़ते जा रहे हैं उसका मेन कारण ही केमिकल है। तो प्लीज़ एक अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि नेचुरल है तो वो मीठा है, नेचुरल है तो वो सस्ता है, नेचुरल है तो वो ख़राब ही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, नेचुरल है सब कुछ होगा क्योंकि वो नेचुरल है। नेचुरल में कीड़ा भी लगेगा, नेचुरल खट्टा भी हो सकता है, नेचुरल कड़वा भी हो सकता है, नेचुरल ख़राब भी हो सकता है। तो किसी से सामान लेते वक्त ये ना सोचें कि जी पूरी गारंटी हो गई कि ये ख़राब क्यों हो गया क्योंकि तो बहुत महंगा था। तो जब तक हम अपनी माइंड का ये सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकते। अपने आगे आने वाली जनरेशन को अच्छी हेल्दी लंबी लाइफ नहीं दे सकते। चॉइस आपकी है, बीमारियां पसंद है तो बीमारियों पे जाएं, और अगर अच्छा खाना पसंद है तो उन किसानों को, उन बच्चों को इनकरेज करें जो इस लाइन में एक बहुत बड़ी, मतलब एक समझिए डिसीज़न लेना इतना आसान नहीं होता एक पढ़े लिखे बच्चों से कि वो सब कुछ छोड़ के खेती में किसानों से सामान ला के आपको देते हैं। जगह जगह जाना पड़ता है उनको सामान इकट्ठा करने, एक किसान इधर है, एक किसान इधर है, एक किसान इधर है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझें। मैं ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल कंफर्म करें कि वो नेचुरल ग्रो कर रहा है, बट प्लीज़ उन्हें मोटिवेट करें, तभी हमारी युवा पीढ़ी इस लाइन में आएगी और वही हमारा बेड़ा पार लगाएगी। तो अब मैं आपको उस बच्चे से मिला रही हूँ, उस युवा से मिला रही हूँ जिसने ये बीड़ा उठाया है कि आप लोगों की तक हम अच्छी सब्जियाँ, नेचुरल तरीके से उगाई हुई सब्जियाँ पहुँचाएँ और घर घर पहुँचाएँ। और वो बच्चा अपने आप घर घर जाके आपके यहाँ पहुँचा रहा है। तो मैं आज आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रही हूँ जिसने इस प्रोफेशन को एज ए चैलेंज किया। कैसे किया ये तो वो ही बताएगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूं, प्रणव वाधवा हैं और ये इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं। मदर इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है एंड फादर डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट हैं, और एक सिस्टर इनकी उसमें इकोनॉमिक्स सीनियर इकोनॉमिस्ट है और दूसरी सिस्टर इनकी फेसबुक में जॉब करती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक बहुत एजुकेटेड फैमिली है, ही इज़ ऑल्सो वेरी एजुकेटेड और बहुत आगे कर रहा है काम, लेकिन उसके बाद भी इसने ये लाइन चुनी। तो ये सबसे बड़ी सोचने की बात है कि इसने ये लाइन क्यों चुनी, इसको किसने इंस्पायर किया, कैसे हुआ, ये सब आप प्रणव के ही मुँह से सुनेंगे। देखिए नमस्कार जी, मेरा नाम प्रणव है। जैसे कि अंजलि जी ने बताया है कि मैं एक वेरी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट हुआ क्या था, कुछ फैमिली में ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे जिसकी वजह से मुझे देखना पड़ा कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं फूड, वो एक्चुअल में क्या कंज्यूम कर रहे हैं हम। सबसे पहला कारण इसका था, मेरी खुद की फैमिली में दो कैंसर केसेस हुए थे, जो कि एक मेरी ग्रैंड मदर थी और एक मेरे मामा थे। तो सडनली मैंने नोटिस करा कि मैं उनके साथ जाया करता था, हॉस्पिटल जाया करता था कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, कितनी बीमारी फैल रही है, कैंसर फैलता जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है। नहीं तो मैं नेट पे भी और सर्च किया करता था कि हम, मतलब फूड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक पॉल्यूशन है जो हो रहा है बाहर। तो मैंने नोटिस करा, धीरे धीरे मैंने सर्च करी, तो मैंने नोटिस करा कि अंजलि जी हैं जिनको हम काफ़ी समय से जानते हैं, मैंने उनकी कुछ वीडियोज़ देखी नेट पर, तो मुझे उनसे पता लगा नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो मैं फिर उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल में जो खा रहे हैं तो उसमें जो किसान यूज़ करते हैं आजकल, कितने केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, कीड़े मारने के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो खाने में आजकल न्यूट्रिएंट तो है ही नहीं, ये तो एक तरह का स्लो पॉइजन हो गया जो हम लोग खा रहे हैं। तो हमने और रिसर्च करनी शुरू करी, मैंने अंजलि जी से कोर्स भी किया, हम और किसानों से मिले, तो धीरे धीरे किसानों से जब हम मिले तो पता लगा हमें कि आज की डेट में किसान खेती करके खुश नहीं है। पहली बात तो वो कहता है कि हमें, एक तो जो हम उगाते हैं सामान हमें उसका सही रेट नहीं मिलता, हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपना केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हमें और अच्छा रेट मिले। और धीरे धीरे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते करते हमने नोटिस करा है कि धीरे धीरे जो फील्ड की प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती जा रही है। हमने फार्मर से हम मिले और अंजलि जी ने हमें गाइड किया, जैसे मैंने उनसे कोर्स किया तो उन्होंने बताया कि
आजकल जो ये यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स, इनके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो और हमें नेचुरल खेती की तरफ जाना चाहिए, जो हम देसी गाय का गोबर यूज़ करते हैं और सारी नेचुरल चीज़ों से फूड ग्रो करते हैं, तो एक्चुअल में जो फूड ग्रो होता है, जो एक्चुअल उसकी न्यूट्रिशियस जो वैल्यू होती है, वो नेचुरल तरीके से ग्रो हो तभी होती है। तो धीरे धीरे हम और फार्मर्स से मिलते रहे, हमने फिर उनसे पूछना शुरू किया कि आप क्यों नहीं नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहे, केमिकल्स क्यों यूज़ करते हैं। तो उनका कहना भी यही था कि हमारी इसमें प्रोडक्शन नहीं होती और हमारे इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है ग्रो करने में। जैसे अंजलि जी ने आपको बताया भी है शुरुआत में कि बहुत दिक्कतें आती हैं नेचुरल तरीके से ग्रो करने में, लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है उनकी और उनको काफ़ी तो चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती हैं, कोई दवाइयाँ नहीं जा सकते वो कीड़े मारने के लिए। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ भी वेदर कंडीशन सडनली ख़राब हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो फार्मर एकदम से केमिकल इंजेक्शन लगा के अपनी क्रॉप को एकदम से ग्रो नहीं कर सकता। तो बहुत तरीके की दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से वो नहीं ग्रो कर पाते नेचुरल तरीके से फूड। और मेन जो इशू आता है वो आता है उनकी मार्केट का, कि अगर वो ग्रो भी कर लें तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, बट उनको उस हिसाब से मार्केट नहीं मिलती कि उनको उतना रेट मिल पाए जो उन्होंने खर्चा किया है अपना फूड ग्रो करने में, वेजिटेबल्स ग्रो करने में, फ्रूट्स ग्रो करने में जो खर्चा कर रहे हैं वो, उनकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाती। तो हमारा पर्पस मेन ये था कि हम ऐसे फार्मर्स को कनेक्ट करें, मार्केट दें उनको, कि जिससे कि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आकर्षित हों, कि नेचुरल तरीके से ग्रो करें और उनको उसका दाम मिले, ताकि उनको किसी भी वजह से उनको नेचुरल फार्मिंग छोड़नी ना पड़े, कि वापस वो केमिकल्स की तरफ ना आए। कि उनको हम, जैसे अंजलि जी हैं, वो ट्रेनिंग भी देती हैं किसानों को कि आप इस तरीके से फूड ग्रो कीजिए, नेचुरल तरीके से ग्रो कीजिए, चाहे जो भी आपकी वो आती हैं दिक्कतें। तो जैसे जैसे समय बीता, हम धीरे धीरे और किसानों के संपर्क में आए, हम और किसानों से मिले और आज की डेट में हमारे पास काफ़ी किसान हैं जो नेचुरल तरीके से सब्जियां ग्रो कर रहे हैं, फल ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि किसान जो हैं वो अलग अलग जगह काफ़ी काफ़ी किलोमीटर के रेडियस पे सिचुएटेड होते हैं। तो अगर आपके पास सामान एक किसान से नहीं, अलग अलग किसानों से सामान आएगा आपके पास, आपकी नीड के हिसाब से पूरी हम आपको बास्केट तैयार करके दे रहे हैं, तो जो प्राइस हैं ऑलरेडी उसमें और नेचुरल के ज़्यादा होते हैं, और जो इतनी हमारी कॉस्ट पड़ती हैं कि एक एक किसान से सामान को इकट्ठा करना, एक जगह पे उसको फिर पैक करवाना, आप लोगों तक पहुँचाना, उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है और काफ़ी कॉस्ट लगती है। तो एक आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अगर आपको सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो थोड़ा उसमें प्राइसेस में फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। और हम किसानों को भी पूरा रेट देते हैं जिससे कि उनको कभी भी नेचुरल फार्मिंग को छोड़ के केमिकल पे शिफ्ट ना करना पड़े, जिससे कि जो वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना जो खर्चा भी उनका हो रहा है, कि उनकी लागत निकले और उनको अच्छा उनको दाम मिले। आज लोग हमसे सवाल भी पूछते हैं कि ये सेफ़ है, आपका सामान कहाँ से आता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरुआत में हमने कुछ भी, किसी को भी हमने लेबर नहीं रखी थी, हमने बिल्कुल भी, हमने खुद ही सब कुछ किया था, पैकिंग भी खुद करी थी और डिलीवरी तो अभी भी हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो हमने फैमिली ने ही सब कुछ मिलके मैनेज किया था और सब चीज़ों का ध्यान रखा था कि सीधा फार्म से आप लोगों के घर पे सामान पहुँचे। तो हमने लोगों के घर घर जाकर कुछ सब्जियां दी हैं, किसी से भी भिजवाई नहीं हमें, कि हमें पूरी गारंटी रहे कि कोरोना का टाइम है, बिल्कुल सामान डायरेक्टली जो हम कहते हैं कि फार्म से सीधा घर पहुंच रहा है, तो हम वही कर रहे हैं। कि हमने ऐसे ही नहीं किसी को रखा काम पर या किसी के हाथ से भी सामान भिजवा दिया हमने, या बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि सामान कहीं पर आया फिर हमारे पास आता है, हम लोग सीधा ही फार्म से कलेक्ट करके डायरेक्टली खुद पैक करके और खुद डिलीवर करते आए हैं। ये हमें जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हम धीरे धीरे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम पहले व्हाट्सएप पे हम ऑर्डर्स लिया करते थे, अब हमारी खुद की वेबसाइट आ गई है, वो भी हमने खुद ही करी है आपस में। मेरी खुद की सिस्टर है, जैसे अंजलि जी ने भी बताया था कि शी इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो हम लोगों ने आपस में बैठ के खुद ही वेबसाइट डिज़ाइन करी है, खुद ही क्रिएट करी है और हम उस पर ऑर्डर्स लेते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोगों की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती हैं, हम उस हिसाब से अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम हफ्ते में एक दिन सप्लाई करते हैं, धीरे धीरे हम इसको और दिन भी लेके आएंगे और हफ्ते में रोज़ सप्लाई करा करेंगे।
और लोगों को लोग चाहते हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमें और आइटम्स भी चाहिए, देसी खांड हो गई या और हो गया, गुड़ हो गया हमें, तो हम धीरे धीरे ये चीज़ें भी लेकर आएंगे। अभी बस शुरुआत ही करी है हमने और जितना हो पा रहा है हमसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था कि हमारा मेन पर्पस ये काम शुरू करने का यही था कि हम किसानों के साथ जुड़ें और उनको मार्केट प्रोवाइड करें, तो हमारा मिशन यही है और हमेशा यही रहेगा। तो हम जिन किसानों के संपर्क में हैं अभी वो तो ठीक है, पर और भी कोई अगर किसान है जो नेचुरल तरीके से ग्रो करना चाहता है या ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। हमसे जितना हो पाएगा हम उनके भी मदद करेंगे और जितनी हो सकेगी अपनी तरफ से पूरी उनको मार्केट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम। किसानों के अलावा और भी अगर आज का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो भी अगर इस फील्ड में आना चाहती है, नेचुरल फार्मिंग के प्रति उनकी जागरूकता है, अगर वो चाहते हैं कि हम भी इस फील्ड में काम करें कुछ, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि केमिकल्स को ख़त्म करना है और नेचुरल फूड को बढ़ावा देना है, तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे वो ज़रूर जुड़ सकता है। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अंजलि जी का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी कर रही हैं, क्योंकि ये काम मैं अकेले शुरुआत नहीं कर पाता इसकी। और दूसरा मेरी फैमिली का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और वो अभी भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। नमस्कार जी, मैं प्रणव की मदर हूँ। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक्चुअली ऐसा है, मैंने इससे बच्चे के अंदर ना ये चीज़ देखी, एक तो बड़ा अटैच्ड अपनी दादी जी से काफ़ी अटैच्ड है, ऐसे फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया ये यूट्यूब पे वीडियो देखता ही रहता था लगातार, तो कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता रहता था कि क्या प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली इसको लगा, एक बार इसने अंजलि जी की बल्कि वीडियो भी दिखाई थी, तो उसके बाद इसने बोला कि चलो हम आंटी से मिलने जाएंगे, और हम लोग गए इनके यहाँ, गए भी, फिर काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी इंस्पिरेशन मिली इसे जब उन्होंने बताया कि कितना कैंसर है। क्योंकि नॉर्मली ये बात होती है कि कैंसर क्यों है, डॉक्टर पूछते हैं कि भैया क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, ये सब करते हो, उनमें से कुछ भी नहीं था, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। तो मतलब ही वॉज इंसिस्टिंग कि प्लीज़ शिफ्ट करो, ये जो खाना वाना फ्रूट हम मंगा रहे हैं, सब्जियाँ मंगा रहे हैं, वो सब बिल्कुल नहीं खाना है। तो बार बार ये बोलता था कि नहीं आप यहाँ से मंगानी शुरू करो यहाँ, तो मतलब कुछ कन्विंस नहीं हुई मैं। फिर इसके दिमाग में सडनली आया कि मैं खुद ये काम करूँगा। उसने वर्कशॉप अटेंड की अंजलि जी की, वर्कशॉप के बाद हम लोग गए किसानों से मिलने, झज्जर भी गए, काफ़ी किसानों से मिले उसके बाद भी। तो मोटिव तो ये था कि लैंड लेके ये करने वाला था खेती, और सडनली लॉकडाउन हो गया, मतलब मिल ही रहे थे हम लोग लीज से ज़मीन लेने के लिए, तो ही वॉज डिप्रेस्ड ऑल्सो कि मैंने शुरू करने की सोची थी, सब उल्टा पुलटा हो गया। उसके बाद कुछ टाइम निकला, फिर थोड़ा सा जैसे लिफ्ट करना शुरू किया इन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है बेटे कोई बात नहीं, तुम ये नहीं कर पाते तो कुछ और सोचो। फिर हम लोग और फार्मर्स से मिले, फिर बातचीत हो भी गई, हमें सामान मिलने लगा, हम लोग खुद जाके वहाँ से सामान लेके आते थे। और कुछ फैमिलीज़ को मैंने ऐसे ही फ़ोन किए कि आपको कुछ सब्जियाँ वब्जी चाहिए क्या, मैं अपने लिए मंगा रही हूँ, आप लोग लोगे क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है मंगा दे। तो ऐसे करके हमने सडनली स्टार्ट कर दिया, इसमें बच्चे के एफर्ट्स हैं, तो दो चार फैमिली से शुरू हुआ, तो धीरे धीरे लोगों को ज़रूरत भी थी उस वक्त लॉकडाउन में, काफ़ी फैमिली जुड़ गई हमारे साथ और काफ़ी लोग मतलब सामान मंगाने लगे। ये और मैं दोनों एक साथ जाके फार्म पे सामान लेके आते थे हम लोग, वहाँ खुद काफ़ी घंटे लगाते थे हम लोग सॉर्टिंग करने और अच्छा सा सामान लेके आए, ताकि अच्छे से अच्छा लोगों को दे पाएँ, काफ़ी टाइम हमें लगता था। घर आके, घर पहुँच के फिर पैकिंग करना, और मेरी बेटी शी सीनियर इकोनॉमिस्ट, वो और ये दोनों मिलके, मुझे नहीं करने देता था, खुद ये दोनों पैकिंग करते थे और फिर सब सामान रख के ये हर एक के घर में डिलीवर करके आता था। और लोगों को टेंशन भी थी कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बच्चे को क्यों बाहर निकाल रहे हो, मैंने कहा ठीक है एक बार करना है तो करना है, जो सोच लिया तो सोच लिया। तो कुछ टाइम तक हम लोग वहाँ से लिया, पर अल्टीमेटली देखा कि वहाँ फार्म पर सामान ख़त्म हो गया है, हम लोग जाते थे तो मिलता ही नहीं था। तो फिर ऐसे लगा कि हमें कहीं और जुड़ना पड़ेगा किसानों से, जहाँ से कॉन्टीन्यूटी हो सके, क्योंकि लोगों को तो कॉन्टीन्यूस सप्लाई चाहिए। फिर हम लोग सोनीपत गए, वहाँ हम लोग मिले एक रमेश चंद्र डागर जी ने शुरू किया था किसान क्लब, उन्होंने काफ़ी फार्मर्स को जोड़ा था वहाँ। चांस की बात, हम लोगों की बातचीत हो गई, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करके हम लोगों ने फिर से शुरू किया, और हम लोग फिर दे पा रहे हैं सब कुछ, मतलब बिना ब्रेक हो, तो सब लोग खुश हैं इस वक्त। ठीक है, मार्केट थोड़ी महंगा तो है, अब थोड़ा सा इशू रहता है, लोगों को ये भी इशू रहता है कि जो भी चीज़ ख़राब हो गई फटाफट फ़ोन कर देंगे या व्हाट्सएप पे एक मैसेज कि आपका ख़राब निकला, अब ख़राब निकला है
तो उनका फार्मर का कहना है कि हम एक्सरे करके तो नहीं देते, पर लोग ये बात समझते नहीं हैं। वो सोचते हैं ऑर्गेनिक या जो भी नेचुरल खेती वाला दिया है, हमने दाम दिया है तो हमें चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। तो कुछ इश्यूज़ हैं, धीरे धीरे ये कोशिश करेगा सब कुछ ठीक करने की। जब तक लोग नहीं समझते तब तक पॉसिबल नहीं है सब। जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक तो कुछ चेंज नहीं होगा। जो नेचुरली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं, मैंने देखा कि बच्चे तोरी घिया ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर जब से इनफेक्ट हम लोगों ने ये लाना शुरू किया घर में, हस्बैंड भी घिया तोरी खाना पसंद नहीं करते थे, अब वो खाते ही घिया तोरी हैं। उनको मतलब एक रियलिश हो गया कि ये टेस्ट डिफरेंट है, कितनी मिठास है सब्जियों में। ये सब तो कभी गौर ही नहीं किया था कि कितना चेंज आ गया है नेचुरली ग्रोन सब्जी में। तो ऐसे ही कुछ फैमिलीज़ हैं जो अभी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो कहती हैं कि कभी सप्लाई बाई चांस नहीं मिलती या हम नहीं ऑर्डर कर पाते, जब बाहर से सब्जियाँ लाते हैं ना तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आता हम लोगों को। हम उसी टेस्ट के हैबिचुअल हैं, जो टेस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज़ बेस्ट वन।